नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः उपस्थित हूं आप सबके सामने रिसर्च की कक्षा में, अनुसंधान की कक्षा में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, महत्वपूर्ण शिक्षक को शीर्षक को लेकर के, जो कि शैक्षिक अनुसंधान का अर्थ, प्रकृति, आवश्यकता और उसके क्षेत्र में आज विस्तारपूर्ण रूप से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक आता है शब्द, क्या आता है तो शैक्षिक अनुसंधान, क्या आता है शैक्षिक अनुसंधान, अर्थात एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च। अब एजुकेशनल रिसर्च इसको देखने से पहले हम लोग इसके बारे में, अर्थात रिसर्च क्या है इसके बारे में थोड़ा सा छोटी सी जानकारी हम लोग ले लेंगे, क्योंकि मैंने रिसर्च के बारे में पूर्ण रूप से बताया हुआ है, वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको पहले देखिए। तो रिसर्च क्या है, तो किसी भी विषय वस्तु का तथ्यात्मक, गहनतापूर्वक और आवृत्तिपूर्ण जो हम लोग अध्ययन करते हैं वही क्या है, रिसर्च है। इसको हम क्या कहेंगे कि किसी भी वस्तु विषय का तथ्यात्मक गहनता पूर्वक एवं आवृत्तिपूर्ण अध्ययन ही क्या है, अनुसंधान है। ठीक है, तो इसमें तीन चीजें आई मुख्य रूप से कि इसमें कोई भी जो वस्तु विषय होता है उसके हम तथ्यात्मक चीजों को लेते हैं। दूसरी चीज कि हम उसको गहनतापूर्वक अध्ययन करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल ऊपर ऊपर से हमने अध्ययन कर लिया और बस छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जो भी चीज, क्योंकि अगर हम शोध करना चाहते हैं तो उसकी गहनता का अध्ययन करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। और फिर आवृत्तिपूर्वक इसलिए कि आप देखे होंगे कि रिसर्च है, ये सर्च नहीं है, अर्थात रिसर्च है अर्थात ये अनुसंधान की प्रक्रिया वो होती है जो इसमें कि प्रदत्त होते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि दो चरों के बीच के संबंध को जब हम ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो ये पूर्ण रूप से रिसर्च करते हैं। अब ये अगर हम आएंगे तो रिसर्च में मैंने बताया था, एक छोटा सा आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था, RD स्क्वायर। अब ये RD स्क्वायर मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, रेनवल ऑफ नॉलेज, ठीक है। फिर डी का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, और तीसरा जो आपका डी है उसका क्या मतलब है, तो डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स दे दीजिए, डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स। इसको हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये रेनवल ऑफ नॉलेज को हम क्या कहेंगे, ज्ञान का परिमार्जन, ज्ञान का विकास और नए तथ्यों की खोज। ये क्या है,
अर्थात इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी रिसर्च के माध्यम से, अर्थात इसमें आपको आप ये देखेंगे कि आरडी स्क्वायर के माध्यम से आप संपूर्ण रूप से किसी भी शोध के बारे में आप जान सकते हैं कि शोध क्या है, शोध की परिभाषा क्या है, शोध की आवश्यकता क्या है, शोध का उद्देश्य क्या है, शोध का कार्य क्या है, शोध क्यों किया जाता है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर मात्र ये एक फॉर्मूला आपको दे देता है आरडी स्क्वायर, अर्थात रेनवल ऑफ नॉलेज, अर्थात ज्ञान का परिमार्जन, फिर डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विकास, और डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स, अर्थात नए तथ्यों की खोज। ये तीन चीज़ें, आपको सारी चीज़ें इसमें समाहित हो जाती है, इसमें आवश्यकता, इसमें क्या कैसे सारा किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें समाहित हो जाती हैं। तो अब हम सीधे, अब ये तो हम थोड़े से रिसर्च के बारे में अभी जाने हैं कि रिसर्च क्या है, अब हम इसके माध्यम से हम सीधे आ जाएंगे किस पर, हमारा जो आज का टॉपिक है हमारा एजुकेशनल रिसर्च, अर्थात शैक्षिक अनुसंधान, उस पर हम सीधे आ जाएंगे। तो शैक्षिक अनुसंधान में अब इसमें दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो दो चीज़ें जब आपको देखने को मिलेंगी, अर्थात एजुकेशन और रिसर्च, रिसर्च के बारे में हम लोग अभी जाने हैं, और तो रिसर्च के माध्यम से हमने ये जाना कि किसी भी विषय वस्तु को जब हम गहनतापूर्वक तथ्यात्मक और उसको आवृत्तिपूर्ण अध्ययन करते हैं तो वही रिसर्च कहलाता है, और ये चूंकि शिक्षा है और ये अनुसंधान है। तो ये सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो शैक्षिक परिदृश्य में जो सबसे पहले नाम आता है वो किसका आता है, जे एन राइस का, ये 1897 में आता है। अर्थात ऐसा आप कह सकते हैं कि एक जे एन राइस महोदय थे जिन्होंने 1897 में शिक्षा में अनुसंधान को इन्होंने एक प्रकार से जन्म दिया, क्योंकि इन्होंने देखा कि ये शोध अर्थात रिसर्च जो है वो बहुत सारे परिक्षेत्र में किए जाते हैं और उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आ रहा है, तो अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर नए नए तथ्यों की खोज करने के लिए इसका उपयोग करें तो निश्चित ही शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा चेंजेस आएगा, और उसके कारण से इन्होंने, इस जेन राइस ने 1897 में इन्होंने शिक्षा अनुसंधान में सबसे पहला रिसर्च करने का इनको श्रेय जाता है। तो अब हम जब शिक्षा में अनुसंधान करने के लिए, तो आपने अभी पढ़ा था कि रिसर्च क्या है, तो किसी भी विषय वस्तु को, तो अब हम इसको शिक्षा में जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि रिसर्च तो वही हम कर रहे हैं, वैज्ञानिक की प्रक्रिया भी वही है। उसमें क्या है कि आप रिसर्च में क्या होता है कि नवीन तथ्यों की खोज करते हैं, आप क्या करते हैं तो क्रमिक करते हैं, आप क्या करते हैं वास्तविक करते हैं, आप वस्तुनिष्ठतापूर्वक करते हैं, वैधतापूर्वक करते हैं, विश्वसनीयतापूर्वक करते हैं, आप जिसका उपयोगी हो, जो समाज के लिए कल्याणकारी हो, ये सब सारी चीज़ें जिसमें वैज्ञानिकता भी हो, तो इन व्यावहारिकता भी हो, सारे चीज़ को मिलाने के पश्चात हम क्या कहते हैं कि ये शोध है। अब उसी शोध को हम क्या कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये शिक्षा पर इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि रिसर्च का एक छोटा सा पार्ट जो है वो एजुकेशनल रिसर्च है और कुछ नहीं है, रिसर्च का एक छोटा सा पार्ट था, चूंकि वो जो रिसर्च होता है वो ऑलरेडी वैज्ञानिक की प्रक्रिया है, तो उसी वैज्ञानिक की प्रक्रिया को, उसी विषय वस्तु को, किसी भी विषय वस्तु को शिक्षा में, अर्थात शिक्षा से संदर्भित जब किसी भी विषय वस्तु को हम गहनतापूर्वक, तथ्यात्मक पूर्वक, आवृत्तिपूर्ण पूर्वक जब हम अध्ययन करते हैं तो वही प्रक्रिया क्या होती है, तो शैक्षिक अनुसंधान की प्रक्रिया होती है। हम ऐसा लिख देते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में किसी विषय वस्तु पर जब गहनता पूर्वक तथ्यात्मक
एवं आवृत्ति पूर्ण अध्ययन किया जाता है तो उसे ही शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को, क्योंकि रिसर्च तो वही है, केवल हम उसको शिक्षा के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा की समृद्धि के लिए, शिक्षा का डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए, या फिर शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए, ऐसा भी कह सकते हैं, जब हम किसी भी वैज्ञानिकी प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको व्यवस्थित ढंग से, उसको क्रमबद्ध ढंग से, उसको गहनता पूर्वक, उसको आवृत्ति पूर्वक, उसको उद्देश्य पूर्वक जब हम अध्ययन करते हैं, तो वही प्रक्रिया जो होती है वो क्या है, एजुकेशनल रिसर्च होता है। तो इसके बारे में हम अभी जाने कि एजुकेशनल रिसर्च क्या होता है, तो अर्थ के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम देखेंगे कि ये हम लोगों ने अर्थ को जान लिया, अब प्रकृति के बारे में जानेंगे कि प्रकृति क्या है, अनुसंधान की क्या है, प्रकृति क्या है। तो प्रकृति क्या है, अब मान लीजिए कि आप अगर प्रकृति के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी तक क्या जाना है, एजुकेशन के बारे में, रिसर्च के बारे में क्या हम लोगों ने जाना है, कि ये रिसर्च वो माध्यम है जो कि क्या करता है, कि दो या दो से अधिक चरों के बीच के संबंध को ज्ञात किया जाता है इसके द्वारा। तो इसकी प्रकृति भी क्या हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति तो वही है, तो प्रकृति क्या हो जाएगी, दो या दो से अधिक चरों के, किसी ने कहा था कि एक चरों के मध्य, तो एक चरों के मध्य तो हो ही नहीं सकता है, एक चर कभी भी अनुसंधान की प्रक्रिया में नहीं हो सकते हैं, कम से कम अनुसंधान में, अनुसंधान को करने के लिए दो या उससे अधिक चर हो सकते हैं, लेकिन दो से कम चर नहीं हो सकते हैं। तो दो चरों के मध्य क्या होगा, संबंध क्या होता है, ज्ञात किया जाता है। अब ये किसी भी वैज्ञानिकी ढंग से किया जाता है, किसी भी हमारा कैसा हो, तो उपयोगितापूर्ण हो, व्यावहारिकतापूर्ण हो, उद्देश्यपूर्ण हो, किसी भी जो सामान्य अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुभूत समस्या है उसको, उसका समाधान करने के लिए क्या करता है, एजुकेशनल रिसर्च करता है, किया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति को बताता है, क्योंकि प्रकृति भी उसका वही है, एजुकेशन से संबंधित जो चीज़ें की जाती हैं तो वो सारी इसकी प्रकृति हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी ऐसा, जैसे कि मान लीजिए कि आज दलित समस्या है, तो दलित समस्या के ऊपर जो भी हम अनुभूत समस्या का समाधान, जो समस्या है उसके समाधान करने के लिए हम जो भी शैक्षिकी परिदृश्य में जो शोध करते हैं वही हमारी, हमारा क्या हो जाएगा, वो उसकी प्रकृति हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम प्रकृति का डिसाइड करते हैं, तो मुख्य रूप से दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध को ज्ञात करना, फिर नवीन जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए, फिर बहुत सारे जो उलझे हुए समस्याएं, उस उलझी हुई समस्याएं हैं उसका निवारण करने के लिए, और फिर भावी अनुसंधान जो करने वाला है उसकी, उसके क्या करने हैं, सुझाव करने के लिए, उसको सुझाव देने के लिए, समाज में जो विद्यमान समस्याएं हैं उसको निवारण करने के लिए, अर्थात ये सारी चीज़ें ये क्या हो जाएंगी, तो आपके नेचर में आ जाएंगी, अर्थात जो एजुकेशनल रिसर्च है एजुकेशन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसके निवारण के लिए ही क्या किया जाता है, एजुकेशनल रिसर्च अर्थात शैक्षिक अनुसंधान किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या होती है, तो शैक्षिक अनुसंधान की जो आवश्यकता होती है वो आवश्यकता, चूंकि आप देखेंगे कि शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या है, शिक्षा को ये कला भी माना जाता है, कला भी माना जाता है और विज्ञान भी माना जाता है। तो शिक्षा को जब कला और विज्ञान दोनों ही माना जाता है, तो इसके क्षेत्र में अर्थात कला तथा विज्ञान के क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए क्या किया जाता है, तो शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। फिर
आप देखेंगे कि शैक्षिक अनुसंधान की जब आवश्यकता होती है तो खास करके हम शिक्षक जरूर आते हैं उसमें, क्योंकि किसी भी शिक्षक के लिए गुणात्मकता सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो शिक्षक के की बुद्धि के लिए, शिक्षक के ज्ञान में वृद्धि के लिए, शिक्षक के ज्ञान में ज्ञान को परिमार्जित करने के लिए ही क्या किया जाता है, तो शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। फिर हम अगर छात्र के दृष्टिकोण से देखेंगे तो छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, छात्रों के वर्तमान ज्ञान में परिमार्जन के लिए अर्थात शुद्धिकरण के लिए, या उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के कारण के लिए, या उसके व्यवहार में परिवर्तन के लिए हम क्या करते हैं, किसकी आवश्यकता होती है, तो शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। फिर अगर हम किसी संस्था के दृष्टिकोण से देखेंगे, शैक्षिकी संस्था के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि शैक्षिक संस्था की जो समस्याएं हैं उसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि शिक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। अब अगर हम देखेंगे तो ये बन जाता है आपका क्षेत्र। तो शिक्षा अनुसंधान में, अब शिक्षा अनुसंधान में हम क्या देखेंगे कि क्षेत्र क्या है। तो हालांकि इसको विभिन्न, इसमें कभी भी मतैक्य नहीं है, अर्थात विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, विभिन्न जो शोधार्थी हुए हैं, उनके सभी के अलग अलग अपने मत हुए हैं, तो एक किसी का मत नहीं है, लेकिन फिर भी सभी के मत को एक पटरी पर लाने की कोशिश में हम ऐसा देख सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि शिक्षा दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन, समाज विज्ञान, शैक्षिक समाज एवं पाठ्यक्रम, शैक्षिक इतिहास, तुलनात्मक शिक्षा आदि जोड़ देंगे। तो इन क्षेत्रों में खास करके हम बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि उपयोग किया जाता है, जिसमें शिक्षा दर्शन हो जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान हो जाता है, शिक्षा समाज शास्त्र हो जाता है, लोक प्रशासन हो जाता है, शैक्षिक प्रशासन आपका समाज विज्ञान हो जाता है, शैक्षिक समाज एवं पाठ्यक्रम हो जाता है, फिर शैक्षिक इतिहास हो जाता है, तुलनात्मक शिक्षा हो जाता है, स्त्री शिक्षा, फिर यौन शिक्षा, फिर दलित शिक्षा आदि आदि बहुत सारे इसके प्रकार हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर कि हम कह सकते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता होती है, और यही मुख्य रूप से इसका क्या है, परिक्षेत्र माना जाता है। तो आज मुझे लगता है कि इस माध्यम से ये पूरे संपूर्ण विषय को आप जाने होंगे। आपको अगर पढ़ाई अच्छी लगती है तो आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।